हेलो स्टूडेंट्स, होपफुली कि आज आप लोगों को टाइम मिला है, इस समय हम सबको टाइम मिला है घर पे रहने का, घर वालों के साथ रहने का, तो आप इसे इंजॉय कर रहे होंगे। इंजॉय करना भी चाहिए, बस इस इंजॉयमेंट में हमें ये भी चेक करना है, मेक श्योर कि हमारी पढ़ाई जो है पीछे ना हो। तो जैसे हम सारे काम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, पढ़ाई भी तो कर सकते हैं। सो, मुझे पता है कि ये काफ़ी लेट हो गया है, बट फिर भी ये फर्स्ट वीडियो है जो मैं आपके लिए सेंड कर रही हूँ, और यहाँ से फिर हम देखते हैं कि आप में से कौन और कितनी मेहनत कर रहा है इस पर। क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि ये साइंस का वीडियो है। आप जानते हो कि साइंस में हर क्लासेस के लिए अलग अलग चीज़ें हैं, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि ऐसी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हर क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, तो कुछ बेसिक चीज़ें हम पढ़ने के बाद फिर आपकी क्लासेस पर जाएंगे। मैंने आप लोग को साइंस का फर्स्ट चैप्टर सेंड कर दिया था, होपफुली आप सब ने उसे पढ़ लिया हो। नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए। आज पहली वीडियो पे हम बात करते हैं। तो जैसा हम जानते हैं कि हम ये जानते हैं कि हमारे प्रकृति में दो तरह की चीज़ें हैं, एक लिविंग थिंग, दूसरी नॉन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग वो है दैट इज़ लाइफ इनसाइड इट, मतलब जिसके पास उसका जीवन है, और नॉन लिविंग थिंग जिसके पास जीवन नहीं है। तो कभी कभी आप ये सोचते हो कि ठीक है, ये तो रटा रटा आंसर है कि जिसके पास जीवन है वो लिविंग है, बट ऐसी क्या उसके अंदर खूबियाँ हैं जिसे हम कह सकते हैं कि हाँ ये लिविंग थिंग है। तो उसको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस का मतलब ज़िंदगी ज़िंदा रहने के लिए कुछ बेसिक प्रोसेस होती हैं जो हर लिविंग थिंग करता है, उन्हें हम बोलते हैं बेसिक लाइफ प्रोसेसेस। इसमें हम बात कर रहे हैं, पहली आपकी लाइफ प्रोसेस है मूवमेंट। हर जिंदा चीज़ मूवमेंट करती है। मूवमेंट में ऐसा हो सकता है कि वो अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह पे चली जाए, जैसा कि एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स करते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि अपनी जगह पे खड़ी खड़ी वो मूवमेंट दिखाए, जैसा कि पेड़ पौधे करते हैं, वो अपनी ही जगह पे खड़े खड़े हिलते हैं, डुलते हैं, ये सारी चीज़ें। दूसरा है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो है, आप जानते हो रेस्पिरेशन है श्वसन। इस रेस्पिरेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है सांस लेना और सांस छोड़ना, दैट इज़ कॉल्ड ओनली ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन का मतलब है सांस लेना। सांस के अंदर जो हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं, उस ऑक्सीजन गैस से हम अपने खाने को, जो खाना हमने पचाया हुआ, उस खाने से एनर्जी को रिलीज़ करना। एनर्जी रिलीज़ करने के बाद उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उसको बाहर निकालना। तो ये पूरा प्रोसेस रेस्पिरेशन का है। फिर है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब ये हुआ है कि हम अपने आसपास जो भी चीज़ें हैं उसके प्रति उत्तेजित होते हैं, हमें फ़र्क पड़ता है। अगर हमें लाइट दिखती है तो हमारी सेंस ऑर्गन यानी आँख को फ़र्क पड़ता है, अगर हम कोई आवाज़ सुनते हैं तो हमारे कान को फ़र्क पड़ता है। तो ये सेंसिटिविटी का मतलब है कि हर लिविंग थिंग अपने आसपास हो रहे परिवर्तन के प्रति सेंसिबल होती है। पौधों में अगर हम बात करें तो पौधे, यस, वो भी सेंसिबल होते हैं। पौधे किस तरह से सेंसिबल होते हैं आप जानते हो। एक पौधा होता है टच मी नॉट, जिसको हम मिमोसा या हिंदी में छुई मुई कहते हैं, उनको टच करने पर वो अपनी पत्तियों को बंद कर लेते हैं। तो ये है पौधों की सेंसिटिविटी। फिर है ग्रोथ। ग्रोथ यानी कि बढ़ना। ग्रोथ है, हर जिंदा चीज़ बढ़ती है, एक लिमिट तक बढ़ती है। उसके बाद एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन के बारे में हम थोड़ा डीप जाएंगे। एक्सक्रेशन क्या है? हम जब खाना खाते हैं, या आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, जब भी हम किचन में जाते हैं खाना बनाने के लिए, तो कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल निकलता ही है, जैसे कि वो फल या सब्जियों के छिलके हो सकते हैं। ठीक इसी प्रकार खाना खाने पचाने के बाद हमारी बॉडी में भी कुछ वेस्ट मटेरियल होते हैं जिनको हम पचा नहीं सकते हैं। वो वेस्ट मटेरियल अगर हमारी बॉडी में रहे तो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं, इसलिए उनको शरीर से बाहर निकालना होता है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सक्रेशन यानी कि उत्सर्जन। ये उत्सर्जन हम तीन फॉर्म में करते हैं। पहला फॉर्म है हमारा उत्सर्जन का, एक्सक्रेशन हम तीन फॉर्म में बताया मैंने, जैसा कि करते हैं। पहला फॉर्म है थ्रू यूरिन, दूसरा फॉर्म है थ्रू फ्लीसेस, और तीसरा फॉर्म है थ्रू स्वेट, हाँ पसीने के द्वारा, और उसके बाद फ्लीसेस के द्वारा और यूरिन के द्वारा। इस तीन तरह से हम अपनी बॉडी के पॉइजनस मटेरियल को बाहर निकालते हैं। चौथा चीज़ है रिप्रोडक्शन, जिसे हम प्रजनन कहते हैं। ये रिप्रोडक्शन या प्रजनन है क्या?
हर इंसान या हर लिविंग थिंग अपने ही जैसे अपने बच्चों को पैदा करती है, दैट इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हमेशा उनकी कॉन्टीन्यूटी बनी रहे। अगर इंसान है तो इंसानों के बाद उनके बच्चे इंसान हैं, उसके बाद उनके बच्चे इंसान, और इस तरह से इंसान हमेशा है। जो भी ऑर्गेनिज्म ये करने में फेल होता है वो एक्सटिंक्ट यानी कि दुनिया से विलुप्त हो जाता है, जैसा हम जानते हैं डायनासोर्स के केस में हुआ। आज भी कुछ इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं जो रिप्रोडक्शन सही से नहीं कर पा रहे हैं, दैट्स वाई धीरे 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 उनकी जाति खत्म होती जा रही है। और सेवन्थ है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब है अपने आप को पोषण देना। हर लिविंग थिंग अपने आप को पोषण देती है। पोषण देने का मतलब एनर्जी पाने के लिए हमें कहीं ना कहीं से खाना खाना होता है। वो हम दो तरह से कर सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक या हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक जो हरे पौधे करते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब है अपना खाना खुद से बनाकर खा लेना। और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जो हम खुद से नहीं करते हैं, हम दूसरे का बनाया हुआ खाना खाते हैं, जो सारे जानवर या इंसान करते हैं। जैसे आप सोच लोगे कि नहीं, हमारा खाना तो किचन में मम्मी बनाती हैं, बट ये नहीं है। हम जो खाना बनाते क्या है, छोटा सा एग्जांपल है दाल चावल सब्ज़ी का। दाल हमें खेतों से मिलती है, चावल हमें खेतों से मिलता है, और इसके